Ladies and gentlemen, they are the Mumbikers, and they are here to rule. Please welcome you, Mumba! Zafar Danesh, सबसे पहले यू मुंबा की इस टीम के साथ और एक बड़ा मुकाबला यू मुंबा के लिए। लगातार 9 मैचों से इस टीम ने जीत का स्वाद नहीं चखा है और ये इसके लिए बहुत मुश्किल का सबक है। क्या आज ये टीम वापस लौटेगी, देखना होगा। प्लेऑफ्स की दौड़ में ये मुकाबला बेहद अहम है। जहां तक यू मुंबा का सवाल है, पिछले कुछ मैचेस थोड़ा सा परेशान करने वाले रहे हैं। टीम में इतने चेंजेस हुए हैं कि टीम अब तक एक टीम की तरह दिखाई नहीं दे पा रही है। 7वीं जीत की तलाश है यू मुंबा को, और अगर आप इनकी ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 देखें तो अच्छे खासे चेंजेस एक बार फिर दिखाई देने वाले हैं। इन रेड हॉट फॉर्म हियर कम्स भरत विद द बेंगलोर बुल्स। सुरजीत सिंह की अगुवाई में बेंगलुरु बुल्स इस बार फिर उम्मीदें सजा करके यहां पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच पिछला मुकाबला आपको याद होगा 5 जनवरी को हुआ था। ये वही दिन है जब बुल्स ने सीजन 6 का खिताब जीता था, लेकिन उस दिन यू मुंबा उन पर भारी पड़े थे, और लेकिन तब से उसके बाद से यू मुंबा ने कोई मैच जीता नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्या सुरजीत आज अपनी टीम को किस तरह से लीड कर पाते हैं। पिछले 5 मैचेस देख लीजिए, 2 टाई पर खत्म हुए हैं, 1 जीत दर्ज की है बुल्स ने, और इनकी ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 की है आपके सामने। कुछ समय पहले यहां टॉस हुआ, बुल्स ने टॉस जीता, पहली रेड यू मुंबा करेंगे और यू मुंबा से जफर दानिश का इंतजार कीजिए। तैयार हो जाइए, बुल्स और यू मुंबा भिड़ने वाले हैं। इनके बीच का जो पिछला मुकाबला था वो यू मुंबा के नाम गया था सीजन 10 में। गुलाम रजा मजंदरानी और रणधीर सिंह शेरावत साहब पहली रेड और पहली रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2 रेडर्स एक साथ। लेकिन यहाँ जफर दानिश का स्वागत आप सभी का। पहली रेड में कामयाबी मिली जफर दानिश को, रण सिंह ने फेल टैकल किया। नंबर 13 राउंड 1 पॉइंट यू मुंबा। बहुत एडवांस डाइव करने की कोशिश रण सिंह की, जफर दानिश वो फेक बोनस करके ललचाया रण सिंह को, मजबूर किया डाइव करने पर। बिल्कुल, इस मुकाबले के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ हैं कबड्डी जगत की एक अजीम शख्सियत प्रशांत तिवारी का। बुल्स देख लीजिए, पिछले 2 मुकाबले उन्होंने टाई खेले, 1 जीता और 2 हारे हैं 5 मैचेस में। ये कहानी है बुल्स की और इस समय रेड पर है एक्शन। पिछले कुछ मैचेस में स्टार्टिंग 7 में जगह बनाई और फिर कामयाब नहीं हो पाए। पूरा डिफेंस एक साथ टूटा यू मुंबा का। सोमवीर ने कमाल किया, पहला पॉइंट सोमवीर के नाम। पैरों पे जाके रोका सोमवीर ने, पहले मोमेंटम तोड़ा, उसके बाद सेंतापना सेल्वम का सपोर्ट पीछे से, करीब थे मिड लाइन के बहुत, टीम का सपोर्ट सही समय पे आया। यू मुंबा की शुरुआत ठीक ठाक और यहां एक बार फिर रेड पर आए हैं जय भगवान ने स्टार्टिंग 7 में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, यहां कामयाबी मिली। 2 डिफेंडर सुरजीत भी गए बाहर। योर फर्स्ट आउट, प्लीज गो। शायद रेड पहले सेल्फ आउट, रेड आउट। नो, ओनली रेड आउट दे दिए गए क्योंकि लॉबी में गए होंगे फुटवर्क करते समय। बेंगलुरु बुल्स भाई कैच जरा, कोई मामला हो सकता है। पर रेड बहुत ही बेहतरीन थी जय भगवान की, मिसकैलकुलेट कर गए, लॉबी में स्टेप इन कर गए, उसके लिए बाहर जाना होगा उनको। डिफेंस आज शुरुआती मुकाबले में ही एक दमदार दिखाई दे रहा है। 1 पॉइंट यू मुंबा, यू मुंबा की डिफेंस को मिला एक और पॉइंट। सुशील गए बाहर और यहां 5 के डिफेंस में एक बार फिर जय भगवान सामने गए, ब्लॉक कर रहे सुरजीत और कामयाब लगता है हो जाएंगे। 2 पॉइंट्स नहीं, पैर आगे अंदर, 2 डिफेंडर्स बाहर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टैकल था सुरजीत का, सही समय पे वो ब्लॉक लग गया था। अगर हेल्प मिलता दूसरे डिफेंडर से तो शायद वो 1 सेकंड के लिए होल्ड कर ही लिया था सुरजीत ने। 2 पॉइंट्स प्रेस के रह गए,
जय भगवान, इस दो पॉइंट से मल्टी पॉइंट रेड लगाई जय भगवान ने उस रेड में। लीड पर है इस समय यू मुंबा, मोनू गए हैं ऑलराउंडर के तौर पर, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए मोनू। और यू मुंबा देख लीजिए, जिसका हमने जिक्र किया 22 खिलाड़ियों में से 21 का इस्तेमाल किया, पिछले मैच में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को बदला, आज उन्होंने 4 खिलाड़ियों को बदला। अगर आप स्टार्टिंग 7 में आधे से ज्यादा टीम बदल देते हैं तो फिर वो स्थिरता दिखेगी कैसे। मोनू का एक और डिफेंस, सोमवीर ने वो टैकल इनिशिएट किया था, बहुत ही बेहतरीन। टीम आज एकजुट होकर खेल रही है यू मुंबा की, जो स्ट्रेंथ थी उनके साथ उतरी है। सुरेंद्र खेल रहे, सोमवीर खेल रहे, मुश्किल रह गया जय भगवान के लिए वो एस्केप करना। किक बहुत ही बेहतरीन था, प्रतीक आए थे पहले, प्रतीक ने मोमेंटम तोड़ा, उसके बाद रण सिंह ने जो एंकल होल्ड करके रखा, यहां पे गुरु रंधावा भी खुश होते हुए। अक्षित का आना और अच्छा खेलना ये टीम के लिए एक बेहतर शगुन है। और यहां रण सिंह ने एक बार फिर जबरदस्त प्रहार, रण सिंह का, रण सिंह का दमखम कितना हो सकता है ये हमने नजदीक से देखा, कोई चर्चा। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये रण सिंह का, हमने ऐसे टैकल कभी होते हुए देखे नहीं है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा रेडर के सक्सेसफुल होने के रहते, पर रण सिंह ने बहुत ही जबरदस्त वो एंकल पर जिस तरह से होल्ड बनाए रखा, बहुत ही बेहतरीन। और यहां पर लीड है, अब देखिए डू और डाई आ गई है, और एक तरफ रॉब सुपर टैकल भी, लेकिन डू और डाई कामयाब, और आउट इसके साथ ही जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं, और इसलिए आप पक्का ले सकते हैं, मौका है दस्तूर भी। बहुत ही जबरदस्त रेड है, जय भगवान की किक करके आउट किया जय भगवान। एक बार फिर सुरजीत को देखिए, कहां आकर के प्रेशर बनाते हैं और किस तरह से पूरा डिफेंस घूम जाता है, जैसे ही जय भगवान राइट कॉर्नर की तरफ गए, और ये यहां पर डिसबैलेंस हुए थे, लेकिन जाते जाते शोहरत नांदल को टच कर गए, बड़ा पॉइंट शोहरत नांदल के तौर पर, एक और मल्टी पॉइंट रेड। बोनस भी लिया और गलती भी करवाई डिफेंस से, ये फेक रनिंग हैंड टच था, वेट किया, अपने आप को रोका, और पता था पीछे से डिफेंडर आएंगे बैक शॉट के लिए, और गलती की सौरभ नंदन ने। सुशील फेल टैकल्स देख लीजिए, अगर आप फेल टैकल्स करेंगे तो मुकाबले में कैसे आगे आएंगे। 7 फेल टैकल्स किए बुल्स ने, 1 फेल टैकल किया यू मुंबा ने, और इस बार यू मुंबा का डिफेंस एक बार फिर गर्जा। सोमवीर वीर की तरह आज डिफेंस को चला रहे हैं, ये चौथा कामयाब टैकल, बहुत ही जबरदस्त। सोमवीर पूरी तरह से लय में दिख रहे हैं आज। 7 मिनट हैं, वहां भी यही चर्चा चल रही है, उन्हें भी पता है। और यहां पर एक बार फिर अक्षत गए हैं, आज सिर्फ 1 रेड पॉइंट है ऋषभ के लिए। तो संजय दा, और तारीफ करना चाहूंगा महेंद्र की, जिस तरह एडवांस कवर दिखाते हैं, मौका बनता है सोमवीर के लिए टैकल इनिशिएट करने का। सुपर रेड यहां पर क्या कामयाब होगी, गिनती चल रही है, बड़ी गिनती है, और ये गिनती बुल्स को इस मुकाबले में वापस ला सकती है। 6 लेकर गए थे महेंद्र, मौका बना नहीं, पूरी तरह से ग्रिप अक्षित के ऊपर बनाए रखा था, वो छूटा, उसके कारण वो सुपर एड लगाई अक्षित ने। 1 पॉइंट और रिवाइज करके इसे 4 कर दिया गया, जफर दानिश ने भी कहा कि आप चलिए नहीं चल रहा हो तो रिव्यू ले लीजिए, लेकिन जफर दानिश को पता है कि वो आउट है, इसलिए चुपचाप निकल गए। देखना होगा संजय दा, यहाँ पे 2 पॉइंट तो कंफर्म है, लगता है हाथ मिडलाइन को टच करने के बाद शायद से, इसके पहले वो डिफेंडर टच हुए थे रेडर को। अब ये मौका है बुल्स के पास वापसी के लिए, ऑल आउट के लिए ले जाए,
कामयाब हो गए, बोनस प्लस पॉइंट यू मुंबई, बोनस भी ले गए, एक और पॉइंट ले गए। डैश बिल्कुल सटीक था सुरजीत का, पर पावर कम लग गई। मेरे पर हार्दिक को चक्कर नहीं होगा, अटैक करना होगा, और अटैक में सुरजीत जो है वो ही पास है, उस पर वो हैंड टच इनिशिएट हो सकता है, और वही किया शिवम ने। बिल्कुल सुरजीत बहुत आगे आकर के खेल रहे बराबर, और उनके निशाने पे आ गए शिवम के। सुरजीत पर टच करते ही जानबूझ कर लॉबी में गए ये बताने के लिए कि आप बाहर जाइए। सुपर रेड करने के बाद लगातार पॉइंट ला रहे, और यहाँ पे जबरदस्त टैकल लिए महेंद्र का, पैरों में गए पहले अक्षित के, लॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब होना चाहिए, और आखिर तक हो गया लॉब सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था, और लीड में थोड़ा सा इजाफा और हो गया हाफ टाइम से पहले। लगातार शफलिंग कर रहे अपने फुटवर्क से, पीड दिखाई थी और फिर ट्रैप में लेने की कोशिश की थी, डिफेंडर सेफ लेकिन अब नहीं बचेंगे। रणसिंह रलिया ने एक बार फिर कमाल किया, कामयाब टैकल रणसिंह रलिया का, पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं आज डिफेंस में रणसिंह। चार पॉइंट्स की लीड थी मुंबई के फेवर में हाफ टाइम से पहले, संभवतः एक दो रेड आउट देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही ऑल आउट, बोनस पॉइंट यू मुंबई इस बार रिवाइव नहीं करा पाए। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो सकते हैं, मौका है दूसरा हाफ बाकी है अभी, लीजिए पंगा। दोनों टीमें एक एक बार ऑल आउट हो चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर। सुरजीत बहुत आगे आकर के खड़े होते हैं, इसलिए रनिंग हैंड टच का ज्यादा शिकार वही होते हैं। लॉबी का बेहतरीन इस्तेमाल, जफर दानिश का, सौरभ बादल को जगह दिखाई, बहुत ही बेहतरीन किक वो जफर दानिश का, एक लो किक लगा के सौरभ नंदल को आउट किया। और इसके साथ ही इस मुकाबले का पहला हाफ समाप्त हो गया है। बुल्स देखिए कहां पर खड़े हैं, जिस बात का हमने जिक्र किया था, ये कमबैक टीम है, और ये अक्षित की एक सुपर रेड ने मुकाबले को बुल्स के लिए दोबारा खोल दिया है, और दो पॉइंट्स की लीड यू मुंबई के खाते में। सुशील आए हैं रेड पर हाफ टाइम के बाद की ये पहली रेड, हाफ टाइम के बाद मुकाबला वहीं से शुरू होता है जहां पर पहले हाफ में खत्म हुआ था। सुशील ने अटेम्प्ट किया, मौका दिया, नाचते रहे सामने जाकर तीस रन के, और उन्होंने जैसे ही डाइव किया निकल गए मिड लाइन को क्रॉस किया। बिल्कुल, अगर बोनस करते सुशील तब वो डाइव करना था, बहुत बड़ी गलती की। किसका इस्तेमाल करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे, और शायद इसीलिए इतने ज्यादा चेंजेस गुलाम रजा ने किए हैं। बढ़िया डिफेंस यहां महेंद्र का, महेंद्र का तजुर्बा, महेंद्र का अनुभव सब कुछ बोल रहा है। बिल्कुल अब जाके वेट किया महेंद्र ने, जब वो बोनस की कोशिश की तब टैकल इनिशिएट किया, और यही करना है अगर एडवांस जाओगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रेडर जो है वो एस्केप कर लेंगे। बिल्कुल इंतजार कीजिए सही समय का, और जब तक समय सही ना आए हमला मत कीजिए। दावा कर रहे हैं प्रतीक पर कि हमने आपको टच किया है, लेकिन लौट गए बीच से निकलने की कोशिश, और ये अगर सुरजीत और रणसिंह का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो रेडर निकल जाता। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये, सुरजीत सामने खड़े रहते, वो शॉट ब्लॉक इनिशिएट करते, और रणसिंह सीधा पैरों में जाते, मोमेंटम तोड़ देते रेडर का, तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है दोनों का। यू मुंबई के पास एक पॉइंट की लीड, कहां पर जाकर टैकल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाब हो गए। वन पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। इस जगह पर इतना एडवांस सुरजीत के अलावा शायद और किसी का टैकल मुश्किल होता, और सुरजीत बहुत ही ज्यादा काबिलियत रखते हैं ऐसी टैकल करने में, वो शॉट ब्लॉक के लिए माने जाने जाते हैं, और जिस तरह से वो ब्लॉक किया जय भगवान को, बहुत ही जबरदस्त था वो टैकल सुरजीत का। डिफेंस में दोनों टीमें तकरीबन बराबरी पर चल रही हैं, यहां पांच का डिफेंस, एक बार फिर आए सुशील, सुशील एक उपयोगी रेडर को मिला के साथ पर अच्छी छलांग लगाई थी, लेकिन एक बार फिर पूरी टीम का प्रदर्शन डिफेंस में। रिस्की अटेम्प्ट,
सोमवीर ने, बहुत ही बाहर था वो टैकल इनिशिएट करने की कोशिश, पर पूरे टीम ने सपोर्ट किया। बैकिंग लगाने की कोशिश, जफर दानिश को खींच लाया डिफेंस, सौरभ नांदल का बढ़िया टैकल, बेंगलुरु बुल्स। संजय दा ये सूरजीत का डर था, इस वजह से लेफ्ट में आके रन करने लगे जफर दानिश। उन्हें पता है कि सूरजीत के पास अगर राइट में फुटवर्क करेंगे तो वो शॉट ब्लॉक फिर से इनिशिएट होगा, तो ये टैकल करना होगा। महेंद्र ने इनिशिएट किया, वन पॉइंट युमुंबा। प्लेऑफ्स की कश्मकश क्या होती है इसका आपको अंदाजा लग रहा होगा, इसका आपको अनुमान बिल्कुल साफ पता चल रहा होगा। सुशील को फिर टैकल किया गया, दोनों टीमें बराबरी पर, तो हाई फाई बहुत नहीं लगते लेकिन डिफेंस में उनकी मौजूदगी। और आज सुरजीत और रण सिंह दोनों कमाल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। करने की कोशिश थी सुरेंद्र की पर मौका दिया सुरजीत को, और ऐसे मौके सुरजीत छोड़ते नहीं। वो शॉट ब्लॉक के लिए माने जाते कि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। सुपर टैकल, टू पॉइंट्स युमुंबा। ड्रॉप सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ एक बार फिर, और ये सुपर टैकल एक ऐसा हथियार है जो मुकाबले की तस्वीर को कई बार बदल चुके हैं। सुशील गए थे अंदर और सुब्रमण्यम को ये पता चल गया, पीठ दिखा दी सुशील ने। पिछले एक दो मैचेस की हम बात करें तो भरत पर निर्भरता रही है ऐसे सिचुएशन में, और निराश करते नहीं कोच को, अपने टीम को भी निराश नहीं करते, पॉइंट ले आते, गलती करवाई संतपना सिल्वम से। बिल्कुल, अब क्या भरत का इस्तेमाल इसी तरह से होगा? भरत जब स्टार्टिंग सेवन में होते हैं तो टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उन्हें टुकड़ों में लेकर के आते हैं, दो मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए, सात मिनट के लिए, तो भरत बेहतर खेल करके दिखा रही है। पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है, और उनके इस्तेमाल का ये एक अलग तरीका। दोनों के टैकल पॉइंट्स देख लीजिए, टीमों के 12-12 बराबरी पर। बहुत अच्छा एंकल होल्ड भी करते हैं भरत, और यहाँ पे फिर से सुरजीत ने टैकल इनिशिएट किया और कामयाब रहे। वन पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। सुरजीत सिंह को मिली कौड़ी कामयाबी, सुरजीत ने रचा एक नया इतिहास, लेकिन क्या हाथ मिडलाइन को क्रॉस किया? बिल्कुल नहीं किया, तो 400 टैकल पॉइंट का एक नया रिकॉर्ड सुरजीत सिंह के नाम। सिर्फ दूसरे डिफेंडर है प्रो कबड्डी इतिहास के ये कारनामा करने वाले, और यहां रॉक सुपर टैकल के कामयाबी के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रगल अभी भी जारी है, सब मुश्किल है रेडर के लिए निकलना। सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल नहीं पाए, मुक्की लग गए थे टैकल पर, दोनों पैरों पर जाके मोमेंटम तोड़ा, वो ग्रिप बनाए रखा एंकल के ऊपर। मंजीत छिल्लर अब नंबर तीन पर है 391 टैकल पॉइंट्स के साथ, तो एक इतिहास सुरजीत के नाम आज के दिन। और यहां रॉ सुपर टैकल की सिचुएशन सुशील के लिए, कामयाब होंगे सुशील। सुपर टैकल, टू पॉइंट्स युमुंबा। रेडर आउट दिया गया, सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ। एक पल के लिए लगा के मिडलाइन पर हाथ आया था, देखना होगा हाथ आया था लेकिन क्रॉस हुआ था या नहीं। सुशील यहां पहुंचे, ये उंगलियां पहुंची कर गई है संजय दा, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ऐसा लगता है उंगलियां कर गई है मिडलाइन को, और यहां पे सोमवीर को बाहर जाना होगा। वन पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। तो सुपर टैकल तो चला गया, नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट मिल गया, और सुशील पर जिम्मेदारी होगी मुक्की लन से बचना होगा, क्योंकि जफर दानिश टैकल इनिशिएट नहीं करेंगे। मुक्की लन ही है जो छेड़ने की कोशिश करेंगे सुशील को। अब कहानी पलट रही है, बुल्स ने ऐसी वापसी की है जो परेशानी में डालने वाली है युमुंबा को, क्योंकि युमुंबा है अब ऑल आउट की दहलीज पर। अगर रिवाइवल नहीं मिला तो परेशानी में पड़ जाएंगे युमुंबा। जफर दानिश आए हुए हैं, क्या कोई रिवाइवल का पॉइंट लेंगे, क्या कोई टच पॉइंट लेकर के जाएंगे? नहीं कर पाएंगे, डिफेंस ने काम किया। बोनस पॉइंट।
Bengaluru Bulls challenge, no bonus points, our decision, Raider out, bonus to Raider, all out 1 plus 2, 3 points, please review. संजीदा हुआ तो नहीं है, बोनस के लिए फेयर उठना चाहिए, तो डीप तो गए थे और यहाँ पे लाइन कट हो रही है, तो बहुत ही सही रिव्यू था ये. रिव्यू सक्सेसफुल, नो बोनस, रेडर आउट, ऑल आउट 1 प्लस 2 3 पॉइंट बेंगलुरु. कैप्टन, यू हैव रिटेंड योर रिव्यू. बेंगलुरु बुल्स का अब किसी के पास रिव्यू नहीं है इस मुकाबले में. 4.5 मिनट बचे हैं जय भगवान रेड पर. जय भगवान के सर पर पट्टी है लेकिन हॉस्टल में कोई कमी नहीं. प्रतीक जब गए थे डैश के लिए तो मिड लाइन को क्रॉस कर गए प्रतीक. पावर लगाया था पूरी तरह से जय भगवान ने. नंबर 17, वन पॉइंट ईच, रेडर आल्सो आउट ऑफ बाउंड्स. सुशील आए रेड पे और सुशील को कहा है कि बोनस लाना है. बहुत डीप चले गए थे. संतपना सेल्वम ने वो टैकल इनिशिएट किया, चेन लेकर आए, पैरों पर गए. बिल्कुल, अगर बुल्स जीते तो नंबर 7 पर पहुंच जाएंगे, यू मुंबा जीते तो नंबर 7 पर पहुंच जाएंगे. दोनों पैरों पर एक साथ गए. सुरेंद्र ने सलाह दी है कि रनिंग हैंड टच आगे की तरफ जाके रन सिंह पर इनिशिएट करें. हैदर अली अकरामी आए थे. वन पॉइंट बेंगलुरु बुल्स. सुरजीत ने उन्हें डैश करके बाहर कर दिया और इसके साथ ही सुरजीत का हाई फाइव भी पूरा. ये 34वां हाई फाइव है करियर का सुरजीत का. बहुत डीप चले गए थे हैदर अली. संजय दा, इसके बाद जो यू मुंबा की रेड आएगी उसमें बोनस प्लस पॉइंट लाना होगा, पर अब बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि 5 का डिफेंस है बेंगलुरु बुल्स का. रेडर को डीप जाके पॉइंट स्कोर करना पड़ेगा. बिल्कुल, कई बार टीमें आमतौर पर इस समय 5 के डिफेंस में खेलना पसंद करती हैं और जिस तरह से जाकर के खड़े हुए ऐसा तो नहीं लगा कि वो जानबूझ करके गए. बिल्कुल सरेंडर करने गए थे, उन्हें पता था कि अगर 6 की डिफेंस में खेलेंगे तो प्रेशर बन सकता है. रेडर पहले ही लॉबी में चले गए थे, उसके बाद मोनू ने डैश किया. ग्रीन कार्ड दिखाया गया है. जय भगवान आए हैं. ब्लॉक किया सुरजीत ने, असाधारण ब्लॉक, लेकिन यहाँ पर उसका पैर उठ गया. बोनस पॉइंट यू मुंबई, 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स. बोनस जरूर मिला जय भगवान को लेकिन सुरजीत का शानदार डिफेंस. बहुत ही बेहतरीन डिफेंस सुरजीत का. लीड कर रहे आज पूरी तरह से. डिफेंस में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है सुरजीत का वो काबिले तारीफ है. तो इस मुकाबले में सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है. बेंगलुरु बुल्स नंबर 7 पर पहुंचने वाले हैं. एक ऐसा मुकाबला जो बुल्स कभी भूल नहीं सकते सीजन 10 में. इससे पहले यू मुंबा ने बुल्स को पराजित किया था अपने होम लेग में और आज उस पराजय का बदला ले लिया बेंगलुरु बुल्स ने. यू मुंबा लगातार 10वें मैच में जीत से दूर रह गए. ऐसे वक्त पर यू मुंबा का ये सफर उन्हें परेशान करेगा प्लेऑफ्स के लिए. सुरजीत सिंह का साधारण प्रदर्शन, कुल मिलाकर 9 टैकल में 6 कामयाब और ये अभिवादन यहां मौजूद तमाम दर्शकों का अभिवादन करते हुए कोच रणधीर सिंह सहरावत, सुरजीत सिंह,